हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है होली वाला, क्योंकि होली की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली होली रंगों के लिए तो फेमस है ही, और घर में बढ़िया बढ़िया, जिस घर में जाओ उस घर में बढ़िया बढ़िया डिशेज, स्पेशली गुजिया मिलती है। तो आज मैं मेरे किचन में हूँ मेरी देवरानी के साथ, और हम दोनों मिलके बना रहे हैं गुजिया। मतलब स्टार्टिंग गुजिया से हुई है, और इसके बाद देखते हैं क्या क्या बनेगा। वो तो एंड में आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने मिलके क्या क्या बनाया। फिलहाल संजना क्या कर रही हो? मैं ये खोया, इसको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। बहुत जल्द से आया है मार्केट से, लेकिन बहुत ज्यादा वो है ना। हाँ। खा के देखें कैसा दूध दूध के देती। खाने भी आ गया है बच्चे से पहले। तो हम लोग यहाँ पे गुजिया की तैयारी हो गई शुरू। खोआ बन रहा है और मैं जा रही हूँ आटा लगाने गुजिया के लिए और नमक पारा के लिए, और फिर आगे देखते हैं क्या क्या बनने वाला है। एंड सबसे पहले मैं बोल दूँ हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, रंग भरी होली, अच्छे से खेलिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। खोआ एक्चुअली इतना गीला है कि इसको चलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हमेशा जब भी आप खोआ परचेज करें कोशिश करें कि एकदम ताजा बनाना ले, थोड़ा सा जब ये थिक हो जाए तभी ले, वरना ये वेट ज्यादा होता है, खोआ कम चढ़ता है। तो हम लोगों के साथ वही हुआ है। तो अभी जब तक खोआ संजना रेडी करती है, मैं जा रही हूँ आटा लगाने। तो गुजिया या नमक पारा कोई भी खस्ता चीज बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑयल डाल के, रिफाइन ऑयल डाल के अच्छे से मोइन देते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप मोइन देंगे, अच्छे से ऑयल एंड आटे को मिक्स करेंगे ना, उतना ही खस्ता आपका जो भी आइटम आप बना रहे हो वो बनेगा, और उतना ही दिन अच्छे से चलेगा भी, और उतना ही कम ऑयल भी अब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। तो ये देखिए अच्छे से मोइन कब पता चलता है कि जब आप उसको हाथ में लेके एक बार बाइंड करें, और अगर वो बाइंड हो गया, टूट नहीं रहा, तो मतलब आपका मोइन अच्छे से हो गया। तो एक बार अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दें, और उसके बाद पानी डाल करके आटा लगा के तैयार कर लें। एंड इसमें भी एक ट्रिक होता है, जब आप मोइन दिए हुए आटे में पानी डाल के गूंथेंगे तो पानी ना थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी नहीं लगता, थोड़े से पानी में ही आपका आटा लग के तैयार हो जाता है, वरना बाद में उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है और उतनी क्रिस्पी नहीं रह जाती है चीजें। तो अभी मेरा आटा मैं लगा रही हूँ गुजिया के लिए, और इसके बाद मुझे लगाना नमक पारे के लिए। तो सबसे पहले गुजिया का आटा लगा लेती हूँ, जो कि हो गया रेडी। और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर या जो भी आप मीठे में डालना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। पूरी गुजिया बनने की तैयारी हो गई है, आटा लग गया है, लोइयां कर ली है, और खोया हो गया है, और मैंने बेलना भी शुरू कर दिया है। तो बस अब हम लोग मिलके जा रहे हैं बनाने गुजिया। यही होता आधी गुजिया, ऐसे गुजिया खाते हैं। अब ये होगा, इसको डीप फ्राई कर देंगे और फिर यही आपको खिलाया जाएगा। इसके अंदर स्वीट की स्टफिंग होती है, समझे? अच्छा। यहाँ हमारी गुजिया जो है वो बनके तैयार है, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे नमकीन यानी नमक पारा। और सुन, अभी जिन जिन लोगों ने टेस्ट किया बताया बहुत अच्छा गुजिया बना है, लेकिन इतनी गर्मी लग चुकी है कि टेस्ट करने का मन नहीं हो रहा। तो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये सब बनने के बाद, मैं खुद भी गुजिया भी तब टेस्ट करके बताते कैसा बना है। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ टेस्ट कराने, बताइए कैसा बना। एकदम गरम गरम इसमें 70% इनका कमाल है और 30% मेरा है, क्योंकि मैं प्योर खोया लेके आया हूँ। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, इनका भी क्रेडिट है कि अच्छा खोया लेके आए। और उसके बाद नहीं, मन नहीं है अभी, तुरंत तल के आओ ना तो मन नहीं करता खाने का। तो सभी को बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मनु भैया को ये अच्छा लगा कि इसकी फिलिंग जो है ना अच्छे से स्टफिंग हुई है। मतलब मेरी आदत है कि मैं कोई भी स्टफिंग वाली चीजें बनाती हूँ ना, उसको एकदम भर भर की बनाती हूँ कि जैसे एक बाइट लो मुंह में घुल जाए पूरा। तो चलिए, गुजिया तो बन गया है, कि होली की तैयारी की शुरुआत हो गई। मेन गुजिया जो हर घर में बनता है और शुभ भी होता है, और बचपन से देखा हर घर में होली के दिन गुजिया तो मिलता ही मिलता है। और अब जा रही हूँ मैं नमकीन बनाने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नमक पारा बहुत पसंद है, उनकी सासू माँ के हाथों का बना हुआ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने हाथों का बना हुआ बना के इनको खिलाती हूँ, फिर देखते कंपेयर करते हैं किसके हाथ का ज्यादा बेटर है। अब मम्मी का हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस्ड है, बट मेरे हाथ का भी खराब नहीं होगा। अब मैं बना रही हूँ नमक पारा, और अभी हम लोग अब मैं ही गुजिया टेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छी बनी है, मतलब ये नहीं कि पहले हम लोगों ने बनाया तो बहुत अच्छी बनी, वाकई में स्टफिंग इतनी मस्त है इसकी, भरी भरी सी, तो बहुत अच्छा बना है। और मीठे के बाद नमकीन की बारी है, तो नमक पारा बनने जा रहा है हमारे यहाँ।
और लास्ट में आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ होली के जो फूड आइटम्स है, स्नैक्स हैं, उसमें क्या क्या हम लोगों ने बनाया है और क्या क्या हम लोग लेकर आए हैं। तो यहाँ मेरे नमक पारे जो है वो अच्छे से सारे रेडी हो गए हैं और अभी ये देखिए एकदम चिपके चिपके से लग रहे हैं, बट बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे ही इसमें ऑयल में डालेंगे ये तुरंत ही गरम तेल में जाती अलग अलग हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो मैं आपको डाल के दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसको कुक कर लेते हैं। उसके बाद एक बार मैं इसको ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि अगर आप ऐसे रखे हो इनके सारे नमक पारे चिपक जा रहे हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं, वो ऑयल में जाने के बाद तुरंत ही अलग हो जाएंगे एक एक। तो देखिए काफी क्रिस्पी बन रहा है। आपको साउंड तो नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे घर में बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने वॉइस ओवर किया है और आप देख सकते हैं मेरे घर में शोर क्यों हो रहा था। तो अभी मम्मी के रूम की सफाई चल रही है और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। जब भी अलमारियां खुलती है बच्चों की मौज हो जाती है। तो ये देखिए आदि और परी कहाँ है, दादी की कबर्ड में है। हाँ क्या हो रहा है, मजा आ रहा है क्या यहाँ पर? ये आप लोगों का गेट है, ये आप लोगों का गेट है। बहुत बहुत मजा आया परी। ओहो कॉपी कैट, जो दद्दा करेंगे वही परी करेंगे। इसको मत करना बाबू, परी ओके लो क्लोज कर दिया दादी ने। कैसा लग रहा है परी? वेट, अच्छा सारा कर देंगे फिर हवा नहीं आएगी ना, सफोकेशन हो जाएगा। परी कैसा लग रहा बेटा? अच्छा। वाओ अच्छा लगा बेटू, अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा। गुजिया टेस्ट किया थी आपने? हाँ। कैसा लगा? यम्मी। थैंक यू। परी ने टेस्ट किया? परी ने नो 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 स्लिप कर जाएगी। ओके बाय, आई एम गोइंग बाय। तो यहाँ देखिए मैं आपको एक बार दिखाने को बोली थी ना, और देखिए चिपके हुए सारे नमक पारे मैंने ऐसे डाले, मीडियम पे कर दिया है। अब बहुत तेज आंच नहीं होना चाहिए वरना सब एक बैग जल जाएंगे। तो हल्के हल्के से देखिए तुरंत सारे अलग हो गए हैं, वैसे हल्के हल्के से करके मैं फ्राई करके इसको पका लूंगी तो कलर भी लाइट आता, अंदर तक पक के क्रिस्पी भी हो जाता है। तो नमक पारा भी रेडी हो गया, गुजिया भी रेडी हो गया। अब कुछ पापड़ चिप्स वगैरह था जो घर पे बना था और मेरी मम्मी ने भिजवाया था, क्योंकि बच्चों के साथ ये सब करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीजें मम्मी ने मंगाई थी, कुछ चीज़ हम लोगों ने मार्केट से ली थे, लाइक कि आलू का पापड़ एंड और बहुत सारे पापड़ भिजवाए थे। ये तो है साबुदाने का पापड़ एंड राइस का पापड़, और एक मार्केट से भी पापड़ लाए थे, मिनी पापड़ हम लोग लेकर आए थे, एकदम छोटा छोटा वर्जन था पापड़ का ये वाला। तो ये तो मार्केट से लाई थी मैं क्योंकि मेरे बच्चों को पापड़ बहुत पसंद है, तो छोटे छोटे में वो खा लेंगे, नुकसान भी नहीं करेगा। और ये है चिप्स, होममेड चिप्स है, बहुत ईजी होता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट करके बताना। और ये भी होममेड क्रिस्पी सी कुरकुरी सी चावल की कचरी है, बहुत ही टेस्टी लगती मुझे तो। तो मेरी सारी डिशेस बनके रेडी है, होली के पकवान। तो ये सब मैंने सेट भी कर दिए, एक इस तरीके से ट्रे में डाल दिया है, और साथ मेरे जो चिप्स पापड़ मैंने आपको दिखाए थे वो सारे फ्राई कर दिए हैं। तो मेरा सारा जो डिश है वो रेडी है कल के लिए, और इसको मैं अरेंज कर दे रही हूँ ताकि जैसे ही कल कोई गेस्ट आए तो उसको फटाफट मैं ऐसे ओपन करके तुरंत दे दूं, कोई वैसे झंझट ना रहे। और ये हर कोई कर सकता है, थोड़ा काम में इजी हो जाता है। तो ये देखिए सब कुछ मेरा हो गया रेडी। तो ये मेरी ट्रे और नमकीन को भी अरेंज करना, और ये ट्रे रेडी हो गई है मेरी गुजिया और नमक पारा की। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ कर रही हूँ एंड, क्योंकि कल है होली, तो होली वाला ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस बार, कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड पसंद आया हो तो करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होने वाला है होली ब्लॉग, एंड हैप्पी होली। बाय, गुड नाइट।